यार चलते क्या हो? ओ ओ डर रही हो कि डरा रही हो? Hey yo, what's up guys? मैं अपने पोर्च के बाथरूम को साफ करना चाहती थी और वहां पर एक अदद फ्रॉग आ गया है। इस बाथरूम को इसलिए भी साफ करना था कि बारिश हो गई है और रेत वाले पाँव लेकर आए गए मेरे बाथरूम में, मगर वहां पे एक अदद फ्रॉग है और वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। क्या कर रहा है? मैं आपको दिखाती हूँ। वो पाइप के साथ बैठा हुआ है। मैं ज़रा उस पर प्रॉपर फोकस करती हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ कि इस मेंढक ने मेरा कितना दिमाग ख़राब कर रखा है। यार मैंने मतलब मैंने इस वॉशरूम को धोना है, मिट्टी वाले पाँव लगे हुए हैं वहाँ, और ये है कि ऐसे कोना मल के बैठ गया। समझ से बाहर है, बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। वाइपर से भी नहीं डर रहा, क्या करूँ? मैंने पकड़ा वाइपर, मैंने पाइप के पास किया पर नहीं डर रहा। चले अब आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे कितना तंग कर रहा है। तो मैं पानी डाल, ये लॉ तो इधर करके बैठा है। फोकस करूँ जरा सा, क्या ये जूम नहीं होगा? बोला मुझे डर लग रहा है। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ गाइस, मैंने बहुत पानी डाला है पर ये ऐसे बैठा हुआ है जैसे इसी का घर है। क्या करूँ बताइए? पानी डाल के देखती हूँ, शायद ये कोई चीज का नहीं रखता है। अब इतना धीरे है ये, देख रहे हैं आप, जाने का नाम ही नहीं लेना। क्या करूँ, कोई हल नहीं है मेरे पास इसको भगाने का। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर को चमकाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों ने वहाँ पे मिट्टी वाले पाँव लगा दिए थे बाथरूम में, पर अभी अंदर बैठा हुआ। यार गाइस इसका मैं क्या, ये देखो ये वो कोने में सामने बैठा हुआ पाइप के पास। टेंशन हो रही है, शाम हो जाएगी, मैं इसी इंतजार में रहूँगी। पानी भर गया, फिर से पानी डाल के देखते हैं। ओके जी, दोबारा से कोशिश करने लगी हूँ मैं। यार हिल ही नहीं रहा, डर तो गई भाई, हर डर गई। चाहते क्या हो? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रेत ही रेत हो रही है बाथरूम में और ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। अब मेरे को डर लग रहा है। वो देखो कोने में मेंढक बैठा है। वाइपर से कर लोगी? हैं ईमान, आप इतनी बहादुर हो? गाइस आत्मा मेरी मदद के लिए आई है। डर रही हो कि डरा रही हो? ईमान डर रही हो कि डरा रही हो? कहाँ है वो सामने ईमान? इस साइड से करो कि वो इधर को आ जाए आपकी तरफ। उसको वापस कोने में ना भेज देना। यार ईमान उधर से मारा है, उस तरफ से, उस दीवार पे, आगे वाली दीवार पे। हाँ हाँ, कोने पे कोने पे कोने पे कोने पे। यस और आगे ना वो। यार ईमान आप कोशिश कर रही थी अच्छी बड़ी ऑटोमेटिक। यार टेंशन हो रही है, इधर ना आई वापस। ना 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 गाइस देखिए दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर इधर नहीं। हां फ्लैश में, यार फ्लैश में नहीं ना, उसमें जाने बाहर निकल जाए। क्या यार देख रहे हैं आप, इसने बस उछल के इधर ना आ जाए, इसने मेरे बाथरूम पे कब्जा कर लिया। हां छे भाई, आराम से कर ले, उसको छोड़ दे। किसी तरह तो आ रहा है, बहुत खौफ आ रहा है। वो देखो क्या, ओह माय गॉड, यार ये भाई आएगा ना, इधर जुड़े जुड़े भाई आएगा। कम यार वो बैठ गया, हाँ तो ये भाई आएगा ना, हम कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने। ओके 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 चलो निकलो भैया, मुझे डर लग रहा है। ओए गाइस मैं इसको बता के पास गया है, कोई टीचर टीचर हो रहा है, अभी बारिश होकर हटी है। हाँ क्या बाहर है? हाँ नहीं नहीं इधर है कोने में, तो वापस लाना पड़ेगा। दरवाजे को बंद कर दिया जाए, आई होप ये अब घर से बाहर निकल जाए। बंद कर दिया और यार हाँ इधर हो गया, और वो सिंक के पीछे चला गया। उफ काम करने के लिए मैं रेडी थी। मां ये ना करो, इस तरह ना करो, इधर आ जाओ जरा। मेरी बहादुर बेटी ने उसको ऑलमोस्ट उसकी जगह से हिलाया और फिर मुझे भी हिम्मत आई क्योंकि इसने उसको बड़े अच्छे तरीके से इधर किया। मुझे तो जितना हो पा रहा था, मैं काफी देर से कैमरा ऑन करने से पहले भी सिर्फ कोशिश कर रही थी, मुझसे ये हट नहीं पा रहा था। पानी डाल डाल के देख रही थी कि किसी तरह, कल तो ये ऐसे था जैसे बिल्कुल बेस्ट होता है, होश में ही नहीं था। पानी डालने से शायद फ्रेश हो गया। अब इसको ये है कि वो सिंक के पीछे जाकर बैठ गया। अब मैं बाथरूम के अंदर जाके वहां से पानी फेंकूँ या वाइपर के जरिए इसको बाहर निकालूँ, तो करना पड़ेगा।
चल हम अगर एंड पे इसको बाहर निकाल के आपको दिखा पाए तो दिखाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। कैमरे को करते हैं जरा बंद और इस मेंढक को निकालने की कोशिश करते हैं। आप ना उधर होके खड़े हो गए, यूं तो वो डर के आएगा ही बाहर। मैंने इतनी मुश्किल से निकाला था मोहम्मद अमार। निकल निकल, क्या है यार, कब सीखा वैसे। परे हो जाओ, परे दरवाजा खोल दो या जो भी करो, परे हो जाओ। अंदर का दरवाजा बंद है ना, उधर को हो जाओ ना। मैंने इसे बाहर निकाला है, आप दोनों उसे डरा रहे हो। जाना जा रहे हैं। ओह फाइनली गाइस, मैं कामयाब हो गई। ये कोई आधे पौने घंटे से यही तमाशा चल रहा, लेकिन फाइनली इस फ्रॉग को मैंने निकाल दिया है। और अब मैं मजाक कर रही हूँ। मम्मा थी झूठ बोल रही है, मम्मा ने की थी। मेरे इस हाल को देख के आपको समझ तो आ रहा होगा कि जब इस तरह की कोई चीज हो जाती है तो बंदे का सारा जो सीन है वो ऑफ हो जाता है। और बट स्टिल हमने फाइनली हिम्मत करके उस फ्रॉक को निकाल दिया है और अब वॉशरूम और गैराज सब खुल जाएगा। बारिश होने की वजह से इतनी रेत रेत थी अंदर, तो मुझे था कि साफ हो जाए कल, मतलब कि जाहिर सी बात है रेत वाली जगह पे तो कोई बाथरूम में जाना पसंद नहीं करता। और वो सारी जगह भर गई है मैंने बहुत सारे पानी के साथ इस फ्रॉक को बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलेंगे, बाय बाय।